हेलो एवरीवन, तो आज हम आपके लिए इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन आंसर्स पे एक वीडियो लेके आए हैं। इस वीडियो में हमने इकोनॉमिक्स के चैप्टर फर्स्ट के क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस किया है, तो चलिए देखते हैं। तो अंजुल, क्वेश्चन ये है कि बेसिकली बच्चों को आप लोगों ने दो चैप्टर टीच कर दिए आई थिंक, और काफ़ी हद तक बच्चों को समझ में भी आए होंगे। उसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन आंसर मैं आपके लिए लेके आया हूँ कि बच्चे वो क्वेश्चन आंसर्स को दे सके, बेसिकली आंसर्स दे सके क्वेश्चंस के। और मुझे जहाँ तक मैं इकोनॉमिक्स को समझता हूँ कि मुझे इतना लगता है कि बेसिकली इकोनॉमिक्स समझ सबको इजी वे में बच्चे अंडरस्टैंड कर लेते हैं, बट प्रॉब्लम कहाँ पे आएगी? प्रॉब्लम आती है बच्चों को आंसर्स लिखने में। मुझे लगता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आंसर लिखने में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है बच्चों को। तो उसके रिगार्डिंग मैं कुछ क्वेश्चंस आपके लिए लेके आया हूँ कि आप उनको आंसर कर सकें और बच्चों को थोड़ी हेल्प मिल सके आंसर्स लिखने के लिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन मेरा आपके लिए है कि स्कार्सिटी व्हेन एग्जिस्ट व्हेन सर्टेन गुड्स आर अवेलेबल एट जीरो प्राइस। मतलब कि स्कार्सिटी तब भी होगी जब हमें जो हम कंज्यूम कर रहे हैं गुड्स, वो हमें हमारी इकोनॉमी, जब एक सिंगल प्रोडक्ट को लेकर चलते हैं कि हमारी इकोनॉमी बेसिकली इसको जीरो प्राइस पे हमें अवेल करवा दे। तो आपका क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपके पास जो रिसोर्स है, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है इकोनॉमी में, तब भी आपको उसकी कमी हो सकती है या? है ना, यही बात कह रहे हैं। एक सिचुएशन इमेजिन कर लेते हैं, आप मुझे बताओ कि यहाँ पे क्या लिखोगे कि अगर आपको एक मेडिकल कैंप लगाओगे, वहां पर मेडिसिन वो लोग फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं सभी पेशेंट्स, तो इस कंट्री में जितने भी बीमार लोग हैं क्या उन सबको मेडिसिन मिल जाएगी? क्या इतनी प्रोडक्शन है मेडिसिन की कि सारे बीमार लोगों की मेडिसिन प्रोवाइड हो सके, सारे बीमार लोगों को मेडिसिन प्रोवाइड हो सके? ये क्वेश्चन हमसे ये बात कर रहा है कि अगर चीजें फ्री भी हो जाए, फ्री ऑफ कॉस्ट भी मिलने लगे, अवेलेबिलिटी करवा पाएंगे कि नहीं, करवा पाएंगे कि नहीं करवा पाएंगे, ये बात हो नहीं, ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि जो हमारे रिसोर्स हैं वो लिमिटेड अमाउंट में है। इसका मतलब इस आंसर, इस क्वेश्चन को बच्चे ने आंसर में लिखना हो तो बेसिकली डिमांड एंड सप्लाई के आंसर में लिखेगा वो, कि डिमांड बेसिकली तब और बढ़ जाएगी, डिमांड एक्सीड कर जाएगी, अवेलेबिलिटी कम रहेगी। हाँ, तो सप्लाई उतनी, जब हम कहें प्रोडक्टिविटी इतनी नहीं हो पाएगी, ऐसा लिमिटेड हो, प्रोडक्टिविटी लिमिटेड हो जाएगी, है ना। इसका मतलब यही हुआ कि आंसर आपका सही है, और यानी कि स्टेटमेंट सही है बेसिकली, आंसर तो आपका सही होगा, बेसिकली स्टेटमेंट सही है कि हाँ स्कार्सिटी फिर भी रहेगी चाहे हम चीज़ों को फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसका, इसके कॉन्टेक्स्ट में अगर हम अनदर क्वेश्चन ले लें, एक और क्वेश्चन ले लें, और वहाँ पर अगर आपने जैसे मेडिकल की अभी एग्जांपल ली, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर हम मेडिकल कैंप भी फ्री में लगा दें लोगों के लिए, तब भी हम उन चीज़ों को पूरा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बेसिकली फिर वही रिलेशन, तो वही डिमांड एंड सप्लाई का आ जाएगा एंड ऑफ द डे। यानी कि इस आंसर्स को लिखने के लिए मुझे लगता है कि डिमांड एंड सप्लाई वाले वर्ड्स ज़्यादा यूज़ करने पड़ेंगे बच्चों को, कि डिमांड उतनी उससे अधिक बढ़ जाएगी, एक्सीड कर जाएगी और सप्लाई हमारी कम होगी लिमिटेड रिसोर्सेज की वजह से। ओके ओके, यानी कि स्कार्सिटी फिर भी रहेगी। ओके, नाउ मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, इफ देयर वर नो चॉइस, क्वेश्चन को इफ देयर वर नो चॉइस इन रिसोर्स एलोकेशन, ठीक है, इफ देयर वर नो चॉइस इन रिसोर्स एलोकेशन इकोनॉमिक्स वुड नॉट हैव एग्जिस्टेड। इसको दोबारा मैं पढ़ लेता हूँ, इफ देयर वर नो चॉइस इन रिसोर्स एलोकेशन इकोनॉमिक्स वुड नॉट हैव एग्जिस्टेड। रिसोर्स एलोकेशन से हम क्या समझते हैं? कि रिसोर्स है, उनको हम अलग अलग ऑप्शंस में, अलग अलग चॉइसेस में डाल रहे हैं। एक पेट्रोल, पेट्रोल का जो एक रिसोर्स है, पेट्रोलियम रिसोर्सेस से हम कितनी चीजें मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, है ना। अब हमारा क्वेश्चन बोल रहे हैं कि जो रिसोर्स का एलोकेशन है ये आपको करना ना पड़े, आपका जो रिसोर्स है हमें बेसिकली चीजों को एलोकेट ना करना, चीजों को एलोकेट ना करना पड़े, एक पीस ऑफ लैंड आपको चूज ना करना पड़े कि मैं उस पे राइस। इसको हम थोड़ा बच्चों के लिए थोड़ा इजी समझें कि मान लो आपके पास 50 रुपीस हैं, तो अगर आप इस 50 रुपीस को डिफरेंट वे में एलोकेट करना चाहते हो और वो अगर वो प्रॉब्लम ही ना हो उसके पास, प्रॉब्लम ही ना हो, आपको एलोकेट करना ही ना पड़े, सिंगुलर चॉइस हो या एक ही ऑप्शन हो, तो वहां पर आपकी इकोनॉमिक्स एग्जिस्ट करेगी। क्वेश्चन इतना पूछ रहे हैं आपसे, अब आप इकोनॉमिक्स से क्या समझते हो, इकोनॉमिक्स है क्या? इकोनॉमिक्स में हम क्या करते हैं? प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, है ना, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस एग्जिस्ट कर रही है, स्कार्सिटी की वजह से कर रही है, उसको सॉल्व कर रहे हैं हम इकोनॉमिक्स में, है ना। अब आपका क्वेश्चन कह रहा है कि प्रॉब्लम ही नहीं है, तो आपकी इकोनॉमिक्स कैसे एग्जिस्ट करेगी? इकोनॉमिक्स तो प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही है ना, प्रॉब्लम ही नहीं है तो सॉल्व क्या करोगे,
यानी कि इसका मतलब कहा क्या हुआ कि जहाँ पे हमारे पास चॉइस नहीं है और ये सब कुछ नहीं है, जहाँ पे हमें रिसोर्सेज को बेसिकली एलोकेट नहीं करना तो वहाँ हमारी बुक के अकॉर्डिंग वहाँ पे इकोनॉमिक्स एग्जिस्ट नहीं करेगी। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए। और आई थिंक बच्चों को काफ़ी हद तक क्लियर हो गया हो जाएगा इससे कि स्कार्सिटी वाले क्वेश्चंस के आंसर्स कैसे देने हैं कैसे नहीं देने। और आई थिंक मैं ही बच्चों को ये कहूँगा कि अगर वो आंसर्स बेटर लिखना चाहते हो तो डिमांड एंड सप्लाई के रिलेशन को अच्छी तरह समझें कि हमारे पास जो अवेलेबिलिटी है प्रोडक्ट्स की वो कभी भी उतनी नहीं हो पाएगी जितनी हमें चाहिए, तो स्कार्सिटी तब भी रहेगी अगर आप उसको जीरो प्राइस पे भी बेचोगे। इसकी बहुत एग्जांपल्स हम ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप अकेली फाइनेंशियल टर्म्स में एग्जांपल्स ले सकते हो। आप नॉन फाइनेंशियल तो कितने एनजीओस चलते हैं इस देश में और कितनी जगह पे लंगर चलता है, आई थिंक वहाँ पर भी फूड की अवेलेबिलिटी उतनी नहीं हो पाएगी जितनी होनी चाहिए। तो बड़ा सिंपल है कि आपके पास स्कार्सिटी तो रहेगी ही रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि इसके अगर इसको हम थोड़ा और ध्यान से समझें इसमें बहुत चीज़ें आ जाएंगी राजे, आपका पॉपुलेशन आ जाएगा, आपका इनकम आ जाएगा इसमें बहुत, तो वो आप धीरे धीरे प्लस टू में धीरे धीरे समझने लगोगे, अभी आप छोटे हो, प्लस वन तक इतना ही बहुत है आप लोगों के लिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इट इज़ अ पॉजिटिव स्टेटमेंट दैट विराट कोहली इज़ अ गुड बैट्समैन, कि विराट कोहली इज़ अ गुड बैट्समैन एज ही हैज़ स्कोर्ड हाईएस्ट नंबर ऑफ सेंचुरीज इन द टेस्ट क्रिकेट। अब ये जो स्टेटमेंट है इसे हम कैसे समझते हैं फर्स्ट लुक में, यार गुड बैट्समैन बोला है, ओपिनियन है किसी का, तुमको अच्छा लग रहा है मेरे को नहीं अच्छा लगेगा, ओपिनियन है। पर एक्चुअली अगर हम इस स्टेटमेंट को पूरा पढ़ते हैं ना ध्यान से, तो इन्होंने हमें क्या बोला है कि विराट कोहली गुड बैट्समैन है बिकॉज उसने हाईएस्ट रन स्कोर किया। ओके, अब जब हम पॉजिटिव और नॉर्मेटिव को ढूंढ रहे होते हैं ना कि एक स्टेटमेंट पॉजिटिव है नॉर्मेटिव, तो हमारा काम क्या होता है, हम चेक करें कि ये जो स्टेटमेंट है हम इसे ट्रूथ के वेरिफिकेशन में डाल सकते हैं कि नहीं। इसके बेसिकली इस स्टेटमेंट को कि वो गुड बैट्समैन है, ये बेसिकली पूछा गया इन द टर्म्स ऑफ सेंचुरीज के रिगार्डिंग। हाँ, डेटा दिया हुआ है ना, डेटा दिया हुआ है, या डेटा से बैकअप किया है स्टेटमेंट को, इस डेटा को हम चेक कर सकते कि नहीं कर सकते, चेक कर सकते हैं, क्योंकि तो अगर उसकी सेंचुरीज ज्यादा है तो ही इज अ गुड बैट्समैन, अगर सेंचुरीज ज्यादा नहीं है तो उसके इज नॉट, ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। तो इस वजह से, क्योंकि स्टेटमेंट चेकेबल है, वेरीफाइबल है, ये कौन सा स्टेटमेंट हो गया, पॉजिटिव स्टेटमेंट, ओके आई थिंक ये समझ में आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आपके लिए, एक्सप्लेन हाउ स्कार्सिटी एंड चॉइस गो टुगेदर। इसमें हम जो हम अभी पहले डिस्कस, आई थिंक पहले इसके रिगार्डिंग हम क्वेश्चंस को थोड़ा एक्सप्लेन कर देंगे कि एक्सप्लेन हाउ स्कार्सिटी एंड चॉइस गो टुगेदर। अगर आप इस क्वेश्चन को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दोगे बच्चों के लिए इजी हो जाएगा, फिर बच्चों को आई थिंक क्वेश्चन ही समझ में नहीं आएगा कि एक्सप्लेन हाउ स्कार्सिटी एंड चॉइस गो टुगेदर। क्या है हमसे क्वेश्चन, क्या पूछ रहे, एक सिंपल बात बोल रहे हैं कि जो आपकी स्कार्सिटी है, जो आप बात करो कि कमी है कमी है कमी है, और ये जो चॉइस की बात करो कि मुझे चूज करना पड़े यहाँ डालू यहाँ डालू कि यहाँ डालू, ये कहते साथ साथ चलेंगे, मतलब अगर एक चीज को निकाल दो तो दूसरी नहीं, दूसरी को निकाल दो तो एक चीज नहीं, ये बात कर रहे हैं कि गो हैंड इन हैंड चलेंगे, एक साथ मूव करेंगे दोनों चीजें, एक की वजह से दूसरी एग्जिस्ट कर रही है, स्कार्सिटी की वजह से चॉइस एग्जिस्ट कर रही है, ये बात करिए इस क्वेश्चन में आपसे। तो हमें एक्सप्लेन करना है कि ये स्टेटमेंट वर्केबल कैसे, कि ये स्टेटमेंट कहाँ से आई है, कैसे काम कर, तो हम इसमें क्या समझाएंगे कि क्यों ये प्रॉब्लम ऑफ चॉइस और इकोनॉमिक्स साथ साथ क्यों चल रही है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस और स्कार्सिटी साथ साथ क्यों चल रही है, ये समझाएंगे हम इस क्वेश्चन। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम सोचें, हमने अभी पहले भी बात की ना कि इकोनॉमिक्स एक प्रॉब्लम सॉल्विंग सब्जेक्ट है, इकोनॉमिक्स में हम प्रॉब्लम ऑफ चॉइस को सॉल्व कर रहे हैं, इधर डाले इधर डाले कि इधर डाले। अच्छा, अब ये जो प्रॉब्लम है ये कहाँ से आई, क्यों आ रही है, क्योंकि आपके पास जो रिसोर्सेज है वो स्कार्स है, लिमिटेड अमाउंट में, इसीलिए तो चूज करना पड़ रहा है, रुपए जब 50 है तो चूज करना पड़ेगा ना कि ये लू ये लू ये लू, सब कुछ तो नहीं ले सकते ना। अगर आपके पास रिसोर्स की स्कार्सिटी ना हो, एक सिचुएशन इमेजिन कर लो जब आपको सोचना ही नहीं पड़ रहा कुछ भी स्पेंड करने से पहले, अब दुनिया में जितनी भी चीज अवेलेबल है सब खरीद सकते हो, तो आपको चॉइस करना पड़ेगा, नो सब कुछ खरीद लो। इसीलिए अगर स्कार्सिटी एग्जिस्ट कर रही है तभी चॉइस एग्जिस्ट करेगी, स्कार्सिटी जन्म दे रही है चॉइस, इसीलिए कहा जाता है कि हैंड इन हैंड जाएंगे। तो हम इसका आंसर कैसे लिखते हैं कि जो स्कार्सिटी एग्जिस्ट कर रही है रिसोर्सेज की, इसकी वजह से आपको चॉइस करनी पड़ेगी। इसका मतलब क्या कि स्कार्सिटी है क्योंकि हमारे पास अल्टरनेटिव यूजेस हैं, ऑप्शंस अवेलेबल है। तो अब बच्चा इसको क्लैरिफाई कैसे करेगा पेपर में, इसको लिखेगा कैसे, कि ये तो हमने लिख दिया बच्चे के लिए कि स्कार्सिटी एग्जिस्ट करते हैं क्योंकि हमारे पास अल्टरनेटिव यूजेस ऑप्शंस हैं, तो दोनों इकट्ठी चलेंगी। अब
आई थिंक इसके रिगार्डिंग बच्चा इसको एक्सप्लेन कैसे करेगा आंसर में? पहले तो हम फर्स्ट पार्ट में स्कार्सिटी को एक्सप्लेन कर देंगे इस तरीके से कि रिसोर्सेज लिमिटेड है हमारे पास और हमारे पास उनको यूज करने के अल्टरनेटिव ऑप्शंस है, इतना हम डिस्कस कर लिए। इसके आगे चॉइस को कैसे कंटिन्यू करेंगे कि इस स्कार्सिटी की वजह से अब आप क्या करोगे, चूज करोगे। अब आप जो ये चूज कर रहे हो इसका रीजन आपने क्या दिया? रिसोर्स कम है, तो ये हैंड इन हैंड जा रहे हैं। तो आप आंसर इसी तरीके से डिजाइन करोगे कि जो स्कार्सिटी है ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि इसको बच्चा बेसिकली एक्सप्लेन कर सकता है कोई भी एक एग्जांपल लेके कि मेरे पास 50 रुपए हैं उसको मैं एलोकेट करना चाहता हूँ, या जैसे बुक्स में लिखा होता है बेसिकली कि आपके पास एक लैंड का टुकड़ा है और आप उस पर क्या खोलना चाहते हो, आप वेयर हाउस खोलना चाहते हो या फिर आप कोई स्कूल खोलना चाहते हो या फिर हॉस्टल खोलना चाहते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपके पास लैंड का टुकड़ा है, जमीन का टुकड़ा तो है, बट एंड ऑफ द डे आप एक ही चीज के लिए यूज कर पाओगे। हाँ, आपके पास रिसोर्सेज उतने अवेलेबल नहीं है, लिमिटेड है। यानी बच्चा इसको स्कार्सिटी को एक्सप्लेन करेगा, उसको बताएगा इसके ऑलरेडी यूज होते हैं तो इसीलिए ये गेट टुगेदर चलेंगी, तो वो उसका वो एक एग्जांपल दे सकता है इसमें एक, जैसे कि हमारे पास एक जमीन का टुकड़ा है उस पे बच्चा जहां पे रिसोर्सेज स्कार्स हैं, हाँ, तो वहां पे उसको अगर कि जहां पे उसको मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी मिलेगी, मैक्सिमम आउटपुट मिलेगी, प्रॉफिट मिलेगी, उसी काम को वो करेगा। ओके, तो होप आपको समझ आया होगा और पता लग गया होगा कि कैसे क्वेश्चंस के आंसर लिखने। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख के बता सकते हो या फिर इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम कहीं पे भी मैसेज करके बता सकते हो। सभी अकाउंट्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। जो भी आपकी क्वेरी होगी, जो भी डाउट होगा, वो हम नेक्स्ट वीडियो में इंक्लूड कर लेंगे। हैव अ गुड डे।